Hello children, welcome to Dikshant EduTech. I am Jyoti, your EVS teacher. So today we are going to learn our EVS subject and the topic is keeping our body clean. Keeping our body clean. Yani hame kya karna chahiye? Is topic mein hum log janenge ki hame apne body ko kya karna hai? Clean rakhna hai. Okay? So let's start. Okay, so keeping our body clean. क्या है, हमें अपने बॉडी को क्या रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए. हम सुबह उठते हैं, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? फिर हम लोग खाते हैं, फिर हम लोग खेलते हैं स्कूल जाने से पहले, फिर बहुत सारी ऐसी टाइम होता है जब हमें क्या करना चाहिए, हमें सफाई का ध्यान रखना चाहिए. ओके, तो कीपिंग आवर बॉडी क्लीन, हमें अपने शरीर को साफ रखना चाहिए. सो आप लोग भी इसी टाइप से छोटे छोटे बच्चे हो ना, तो आप लोग कितनी बार होता है कि आप लोग थोड़ी लापरवाही करते हो, जब आप लोगों से कहा जाता है तब आप लोग वो काम करते हो, है ना. तो इस टॉपिक में हम लोग यही जानेंगे कि अगर हम लोग लापरवाही करते हैं, अपने बॉडी को क्लीन नहीं रखते हैं, तो हमें क्या भी हो सकता है ना, कुछ हमें प्रॉब्लम भी हो सकती है. तो हम लोग अपने बॉडी को पहले ही क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, ताकि आने वाली प्रॉब्लम से हम लोग बच सके. तो ये आप लोगों की तरह ही, ये इस पिक्चर में एक बॉय है और ये एक गर्ल है. इसमें ये क्या है, ये इनकी बॉडी है और बॉडी को क्या करना है, क्लीन रखना है. तो किस टाइप से हम लोग अपनी बॉडी को क्लीन रखेंगे, प्रॉब्लम से बचेंगे. We should keep all our body parts clean. हमें अपने बॉडी के सारे पार्ट्स को क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए. ओके, सो हम लोग क्या करते करना चाहिए, हमें अपने बॉडी पार्ट्स को, चाहे वो सर हो या हमारे नेल्स हो, हमारे फुट हो, इन सभी को क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए. क्लीन रखने से कैसे दिखोगे आप, इस टाइप से दिखोगे ना, एकदम अच्छे बच्चे की तरह आप लोग दिखोगे. तो जब आप अच्छे से अपने बॉडी का केयर करोगे तो आप लोग कैसे दिखोगे, इस टाइप से दिखोगे. आपके बाल अच्छे से बने हुए होंगे, आपके कपड़े नीट एंड क्लीन होंगे, आपके नेल्स कटे हैं, आपके टीथ जो है वो वाइट दिख रहे हैं, आपका फेस एकदम लाइट कर रहा है ना. तो ये ऐसा कब होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, अपने बॉडी को एकदम क्लीन रखेंगे, साफ रखेंगे, तभी इस तरह से हम लोग दिखेंगे. ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपनी बॉडी को क्लीन रखना है. अब क्लीन रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और कब कुछ ज़्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए, ये अब हम लोग देखेंगे. बिफोर ईटिंग, सुबह आप जब जगते हो तो आप लोग सीधा ब्रेकफास्ट करने लग जाते हो, नहीं ना? या कुछ लोग हैं जो उठते हैं और सीधा खाना मांगते हैं कि मुझे कुछ खाने को चाहिए, कुछ खाने को चाहिए. लेकिन खाने से पहले सुबह में क्या करना चाहिए, ब्रश योर टीथ, अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए, लाइक दैट.
ओके, इस तरह से क्या करना चाहिए हमें, ब्रशिंग करनी चाहिए। जब भी सुबह हम जब जगते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, क्योंकि रात भर हम जब सोते हैं तो हमारे टीथ में बहुत सारे जर्म्स आ जाते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, और अगर हम लोग बिना ब्रश किए, यानी ब्रश करते हैं फिर पानी से उसे बाहर निकालते हैं, है ना, ब्रश करते हैं तो क्या करते हैं, फिर पानी से जो हमारे मुंह में है उसे बाहर निकालते हैं, दो तीन बार अच्छे से दांतों को, अपने पूरे माउथ को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, करते हैं, तो वो सारे जर्म्स बैक्टीरिया जो है वो बाहर निकल जाते हैं और हमारा माउथ जो है वो क्लीन हो जाता है, एकदम साफ हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग अपने मुंह में कुछ लेंगे और खाने वाली चीज़, तो वो उसे हम क्या करेंगे, खाएंगे अपने पेट तक, है ना, अपने मुंह से अंदर डालेंगे, तो उसमें माउथ में कोई जर्म्स नहीं होगा, तो वो अच्छे से हमारे पेट में जाएगा और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो ब्रशिंग करते हैं, फिर पानी से अपने फेस को धोते हैं, अपने माउथ को धोते हैं, तो सारे बैक्टीरिया सारे जर्म्स क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं और हमारा माउथ क्लीन हो जाता है। उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट या फिर कुछ हम जो खा रहे हैं या पी रहे हैं वो करना चाहिए, बट बिना ब्रश किए कुछ भी मॉर्निंग में नहीं खाना चाहिए। ओके, तो मॉर्निंग में तो ब्रश करना ज़रूरी है, कब, कुछ खाने से पहले, बट अगर हम लोग दिन में अब सिर्फ मॉर्निंग में तो हम लोग नहीं ईटिंग करते हैं, दिन में भी हमें कुछ ना कुछ खाना ही है, हम लोग लंच करते हैं, डिनर करते हैं, है ना, शाम को स्नैक्स खाते हैं कुछ भी, या कुछ हमारा मन कर दिया, बिस्किट खाना है या फ्रूट्स खाने हैं, कुछ भी खाना है, तो उसके बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, दिन भर में जब हम कुछ खाएंगे उसके पहले और उसके बाद, बिफोर एंड आफ्टर क्या करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें दिन भर कुछ ना कुछ तो खाते ही हो ना, यहाँ पर ये फ्रूट खा रही है, जूस, यहाँ पर वेजिटेबल्स हैं, तो इसे कुछ ना कुछ खाना है, बट ये जब हम लोग खाते हैं हमारा माउथ तो क्लीन हो गया, उसके बाद उससे पहले हमें क्या करना है, उसके पहले हमें हैंड वॉश, वॉश योर हैंड्स, क्योंकि हम कुछ भी खाते हैं तो हमारा माउथ तो क्लीन हो गया, बट हम जब भी कोई चीज़ है उसे हम अपने हैंड्स से क्या करते हैं, उठाते हैं और अपने मुंह में लेते हैं, है ना, तो अगर हमारा हैंड क्लीन नहीं रहा तो माउथ क्लीन है, बट अगर हम लोग गंदे हाथों से कुछ खाएंगे तो वो गंदा तो उस पर लग जाएगा ना, तो हमें अपने हैंड्स को भी क्लीन रखना है, अपने हाथों को भी क्या करना है, एकदम क्लीन रखना है। उसके लिए क्या करेंगे, हैंड वॉश जो है वो हम लोग सोप से कर सकते हैं, हैंड वॉश से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पिक्चर्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, और भी बहुत सारे टाइम्स जो है ईटिंग्स के बिफोर और उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, उसके पहले भी हमें क्या करना चाहिए या उसके बाद भी हैंड वॉश करना चाहिए। आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, अगर टॉयलेट में जा रहे हैं तो आने के बाद हमें हैंड वॉश ज़रूर करना चाहिए, विदाउट हैंड वॉश के हमें घर में नहीं आ जाना चाहिए या किसी चीज़ को छूना या खाना नहीं चाहिए। सो आफ्टर यूजिंग टॉयलेट से आने के बाद हैंड वॉश करना चाहिए, और हैंड वॉश जो है वो हमें सोप या हैंड वॉश से करना चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, खाने के पहले और खाने के बाद हमें क्या करना है, हैंड वॉश, क्या करना है,
हैंड वॉश करना है जब भी हम लोग कुछ खाते हैं, उसके पहले और खाने के बाद भी. सो बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड. आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम स्कूल. अब स्कूल से जब हम लोग घर आते हैं, सीधा बैग अंदर रख दिए और उसके बाद सीधा जो हमारे लिए लंच है वो हम सीधा खाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना? तो ये गलत है. हमें स्कूल से आने के बाद अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए और उसके बाद ही हमें कुछ और करना चाहिए, क्योंकि स्कूल से हम लोग जब आते हैं तो स्कूल से आने के टाइम, स्कूल से जब निकलते हैं तो हम लोग सीढ़ी से उतर रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, कहाँ कहाँ हम लोगों ने अपने हैंड्स को टच किया होगा, कितनी चीज़ों को हम लोगों ने टच किया होगा, है ना? तो वो सारे जो बैक्टीरिया जर्म्स हमारे हाथों में आ गया है उन्हें क्लीन करने के लिए हमें हैंड वॉश करना चाहिए आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम स्कूल. आफ्टर ट्रिमिंग योर नेल्स. जब हम लोग नेल्स कट करवाते हैं तब भी हमें क्या करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि हाथों में मिट्टी वगैरह रहती है और नेल्स कट कराने पे वो पूरी बाहर आ जाती है, दिखने लगती है. अगर हैंड वॉश कर लेंगे तो वो अच्छे से धुल जाएगी, साफ हो जाएगी और फिर हम लोग कुछ अगर खाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, सो यहाँ पर हैंड वॉश के बाद, हैंड वॉश के बिफोर एंड आफ्टर, यहाँ हमारा हैंड्स किस तरह से चेंज हो जाता है यहाँ हम लोग देख रहे हैं. सो बिफोर हैंड वॉश क्या होता है, हमारे हैंड्स पे क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया, है ना? ये सारे दिख रहे हैं जो नॉर्मली हमें दिखता नहीं है, बट वो हमारे हाथों में इस टाइप से होते हैं. देन वॉशिंग हैंड वॉश, ये हैंड वॉश से अपने हैंड्स को क्या कर रहा है, वॉश कर रहा है, ठीक है? तो इस तरह से अच्छे से हाथों को अच्छे से रगड़ रगड़ के, रब कर करके हमें हैंड वॉश करना चाहिए. देन आफ्टर हैंड वॉश, हैंड वॉश क्लीन, एकदम साफ हो गया है हैंड. देखिए कितना साफ हो गया है, यहाँ पर कितना डर्टी है, गंदा है ना? और हैंड वॉश के बाद हमारा हैंड कैसा हो गया है, एकदम नीट एंड क्लीन. सो इसके भी हैंड्स जो हैं बिफोर हैंड वॉश इस तरह से गंदे, एकदम डर्टी दिख रहे हैं, बट जब हैंड वॉश कर लेने के बाद हैंड्स जो हैं वो एकदम नीट एंड क्लीन दिखने लगे, है ना? तो सभी को क्या करना चाहिए, हैंड्स को अच्छे से वॉश करना चाहिए. नॉर्मली जो पानी और एंड सोप, जो वाटर एंड सोप जो होता है उससे जल्दी से नहीं करना चाहिए, उसमें भी हमें क्या करना चाहिए, कुछ टाइम देना चाहिए. कम से कम हमें 20 सेकेंड्स तक हैंड्स को रब करना चाहिए, आगे पीछे अच्छे से नेल्स पे अच्छे से रब्स करके हमें हैंड वॉश करना चाहिए. ओके, हैंड वॉश जो है हमें अपने डेली लाइफ में पूरे दिन हमें कम से कम, जब भी हम खा रहे हैं या टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, तो हमें 5-6 बार तो हैंड वॉश दिन भर में करना ही चाहिए. बट हमें नहाना चाहिए वो डेली. ओके, टेक अ बाथ डेली. अब नहाना जो है वो वन टाइम ही हो पाता है, क्योंकि अगर मॉर्निंग में हम स्कूल निकल रहे हैं या आप कहीं जा रहे हो तो आप एक बार नहाना चाहिए, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि आज नहाएंगे, कल नहीं नहाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट डे हम नहाएंगे, ये नहीं होना चाहिए. हमें रोज़ नहाना चाहिए, टेक अ बाथ डेली. हमें डेली जो है वो नहाना चाहिए, क्योंकि हैंड वॉश, हम यहाँ तक अपने हैंड्स को वॉश करते हैं, अपने फेस को वॉश करते हैं, पर होल बॉडी यानी पूरे शरीर को क्लीन रखने के लिए हमें क्या करना होगा, डेली नहाना होगा, डेली
नहाना होगा, तब अब डेली जो है वो वन टाइम ही हम लोग नहा सकते हैं, लेकिन वन टाइम भी कंपलसरी होना चाहिए, हमें रोज नहाना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो क्लीन हो जाती है ना। अब जब हम नहाते हैं तो हम पूरे बॉडी को अच्छे से रब करके, अच्छे से सोप के साथ अच्छे से नहाते हैं, पूरा बॉडी हमारा क्लीन हो जाता है, क्योंकि बॉडी हर जगह टच नहीं करता है, वो तो हैंड करता है, तो हैंड तो वॉश हो जाएगा, लेकिन अगर बॉडी को हम लोग नहीं साफ करेंगे तो वो तो पूरी गंदी रहेगी, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, टेक अ बाथ डेली, हमें रोज नहाना चाहिए। अब बहुत लोग होते हैं कि दो दिन नहाएंगे, फिर तीन दिन नहीं नहाएंगे, फिर एक दिन नहाएंगे, इस तरह से करते हैं, तो इस तरह से करना बहुत बुरी बात है, ये नहीं होना चाहिए, हमें डेली नहाना चाहिए, टेक अ बाथ डेली। इससे हमारा बॉडी क्या रहेगा, हमारा पूरा बॉडी जो है वो क्लीन रहेगा। नेक्स्ट, ऑयल योर हेयर, ऑयल योर हेयर, अपने बालों में क्या लगाना चाहिए, तेल लगाना चाहिए, ऑयल, ऑयल। ठीक है, अपने हेयर्स में क्या करना चाहिए, ऑयल लगाना चाहिए। ऑयल लगाने से क्या है, हमारे जो हेयर हैं वो अच्छे रहते हैं। कितने लोगों का जो कभी हेयर में ऑयलिंग नहीं करते हैं तो क्या होता है, बाल अजीब से हो जाते हैं, है ना, पूरा रूखे रूखे बिखरे बिखरे हो रहते हैं। ऑयलिंग कर लेने से क्या होता है, हमारे बाल सुलझे हुए रहते हैं, वो देखने में भी अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो हमें ऑयलिंग करना चाहिए अपने हेयर्स में, इससे हमारे हेयर्स जो हैं वो हेल्दी रहेंगे। ठीक है, तो अपने हेयर्स में क्या करना चाहिए, ऑयलिंग, ऑयल योर हेयर, अपने बालों में तेल लगाना चाहिए, इससे हमारे हेयर्स जो है वो अच्छे दिखेंगे और सुलझे हुए रहेंगे और ये देखने में अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट है, ऑयलिंग के बाद क्या करना चाहिए, कॉम्ब योर हेयर, कॉम्ब योर हेयर। कुछ बच्चे होते हैं कहीं जाना रहता है तभी अपने हेयर्स में कॉम्ब करते हैं, कंघी करते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं ना कि स्कूल जाना है बस उस समय हम कंघी करेंगे, मार्केट जाना है तब कंघी करेंगे, आज छुट्टी है आज कुछ नहीं करेंगे, है ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आज तो कहीं जाना नहीं है, बस ऐसे ही रहते हैं, तो ये क्या है, रॉन्ग। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, डेली अपने हेयर्स में कॉम्ब्स करने चाहिए, कॉम यानी कंघी करनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे बाल जो है वो अच्छे दिखेंगे और जो डस्ट वगैरह धूल वगैरह हमारे बालों में आ जाते हैं ना, वो कॉम्ब करने से भी निकल जाते हैं। और कॉम्ब करने से आप भी जानते होंगे, स्कूल जब जाना है तो कॉम्ब करना यानी कंघी करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप जैसे सुबह उठते हो वैसे ही स्कूल चले जाओगे, नहीं, उस तरह से नहीं जा पाओगे। क्यों, क्योंकि हमारे बाल बिखरे हुए रहेंगे तो हमारा फेस भी अजीब सा दिखेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने कॉम्ब योर हेयर, अपने बालों को कंघी करना चाहिए। ठीक है, अच्छे से अपने बालों को कॉम्ब करना चाहिए जिससे हमारे बाल जो है वो सुलझे हुए दिखे, अच्छे दिखे। कॉम्ब करने से जो डस्ट वगैरह जो धूल वगैरह होती है वो भी हमारे बालों से निकल जाती है, तो हमारे बाल क्या हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। अब बालों में कॉम्ब कितनी बार करना चाहिए, तो कम से कम 2 times तो हमें अपने बालों में कॉम्ब करना चाहिए, 2 बार कंघी करनी चाहिए,
एक सुबह में जब हम स्कूल जाते हैं या छुट्टी भी है तो हमें मॉर्निंग में जब हम नहा लेते हैं उसके बाद अपने बालों में कॉम्ब करना चाहिए। फिर शाम के समय जब हम घर पे आते हैं खेल कर या ट्यूशन से जब भी हम आते हैं तो हमें एक बार अपने बालों को कॉम्ब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग बाहर जब गए रहते हैं तो बहुत सारे डस्ट वगैरह भी हमारे बालों में आकर के चिपक जाते हैं ना, तो जब हम कॉम्ब करेंगे तो क्या होगा, हमारे वो जो डस्ट वगैरह हैं वो निकल जाएंगे और हमारे बाल जो हैं वो साफ हो जाएंगे। ठीक है, तो वैसे वॉश करने पर हेयर जो है वो ज़्यादा साफ हो जाते हैं, बट कॉम्ब करने से भी जो धूल जो ऊपर ऊपर है वो निकल जाती है और हमारे हेयर जो है वो थोड़े क्लीन हो जाते हैं। सो कॉम्ब योर हेयर 2 times। नेक्स्ट, ट्रिम द नेल्स। ट्रिम द नेल्स, अब नेल्स जो हैं वो वीकली इतने बड़े हो जाते हैं कि वो दिखने लगते हैं, है ना। तो कुछ जो हैं कुछ लोग वो संडे को रूटीन में अपना नेल कट रखते हैं कि संडे को नेल कट करना ही है। ठीक है, और कुछ लोग जो होते हैं वो जब पूरे गंदे दिखने लगते हैं तब जा करके अपने नेल्स को कट करते हैं, तो ये जो है ये रॉन्ग है। हमें क्या करना चाहिए, एक रूटीन बनाना चाहिए। जैसे संडे जो फ्री डे होता है, संडे को हॉलीडे है, छुट्टी है, तो उस दिन हमें अपने क्या करने चाहिए, नेल्स को ट्रिम करना चाहिए, उन्हें छांटना चाहिए, काटना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि क्योंकि नेल्स जो हैं वो जल्दी जल्दी नहीं बड़े होते हैं, 1 week में वो दिखने लगते हैं। ठीक है, 1 week जब कंप्लीट हो जाता है तब वो नेल्स जो हैं वो हमारे दिखने लगते हैं, तब हम उसे थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर देंगे तो वो फिर अच्छे साफ दिखने लगेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक रूटीन यानी एक डे जो है वो फिक्स करना चाहिए कि इस दिन हम लोग क्या करेंगे, अपने नेल्स को ट्रिम करेंगे, काटेंगे। तो कुछ बच्चे जो हैं वो अभी छोटे हैं, खुद से नेल कट नहीं कर पाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने जो घर में हमारी मम्मी हैं, हमारी दीदी हैं या हमारी जो भी हमसे बड़े हैं उनसे हेल्प लेना चाहिए अपने नेल्स को कट करवाने के लिए। ठीक है, तो कभी भी किसी और चीज़ का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें नेल कटर से ही नेल कट करना चाहिए। नेल कटर जो होता है वो क्या होता है, वो सेफ होता है हमारे नेल्स के लिए। ठीक है, वो भी अगर हमें नहीं आता है तो नहीं करना चाहिए, किसी बड़े की हेल्प लेनी चाहिए जिससे नेल कट किया जा सके। ओके, इसके जितने भी अभी हम लोगों ने देखा अभी कि क्या क्या हमें अपने बॉडी पार्ट्स को या बॉडी को क्लीन रखने के लिए करना चाहिए, उसके अलावा भी यहाँ कुछ चीज़ें हैं जिससे हम अपने बॉडी को क्लीन रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो हम जानेंगे अपने कीपिंग क्लीन, सफाई के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट में जो है वो वॉश योर हैंड्स, हैंड वॉश करने चाहिए हमें अपने हाथों को आफ्टर बिफोर ईटिंग फूड, उसके आफ्टर बिफोर हमें अपने हैंड को क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। कॉम्ब योर हेयर, कॉम्ब योर हेयर, अपने बालों पे कंघी करनी चाहिए। ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ, अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। ठीक है, अपने टीथ को क्या करना चाहिए, साफ रखने के लिए ब्रशिंग। टेक अ शावर एवरी डे, टेक अ शावर एवरी डे, यानी हमें रोज नहाना चाहिए। ठीक है, एवरी डे हमें
कभी भी नहाना नहीं छोड़ना चाहिए, हमें एवरी डे नहाना चाहिए। वेक अप अर्ली, ये एक बात है जो हमें अपने बॉडी को क्या है क्लीन रखने के लिए सबसे ज़रूरी है, वेक अप अर्ली। अगर हम सुबह नहीं जगेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो शॉर्टकट में करने लगेंगे, अभी लेट हो गया चलो जल्दी से खा लेते हैं, ब्रश नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें अगर अपने इस रूटीन को अच्छे से करना है तो हमें सबसे पहले जल्दी उठना पड़ेगा, उसके बाद हम ब्रश कर सकते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और बाकी अपने वर्क को कर सकते हैं। यूज अ डस्टबिन, हमें क्या करना चाहिए, डस्टबिन यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब कहीं भी गंदा आप फेंकोगे, कचरा फेंकोगे तो क्या होगा, वो वापस आपको प्रॉब्लम में लाएगा, है ना। अगर घर में आप यहाँ वहाँ कचरे फेंक रहे हो तो बाद में उसी के ऊपर आप बैठोगे तो आप खुद गंदे हो जाओगे, तो डस्टबिन में अगर रहेगा तो वो जो रूम है वो क्या रहेगा, क्लीन रहेगा, और रूम क्लीन रहेगा तो आप भी क्लीन रहोगे। कीप योर हाउस क्लीन, अपने घर को भी साफ रखना चाहिए। अब आप डेली नहा रहे हो, हैंड वॉश कर रहे हो, बट आप जिस चेयर पे बैठ रहे हो वो गंदा है, तो जब आप बैठोगे तो आप भी गंदे हो जाओगे, है ना। आप जिस बेड पे सो रहे हो वो बेड गंदा है, तो आप अगर उस पे सोओगे तो आप भी गंदे हो जाओगे। तो हमें क्या करना होगा, अपने हाउस को ही क्लीन रखना होगा। जब हाउस क्लीन रहेगा तो हम भी क्लीन रहेंगे, ठीक है। तो जो भी हम यूज़ करते हैं बर्तन, या हमारा टेबल, हमारा रूम, हमारे जो फर्श है या वॉल है, जो भी चीज़ें हैं वो हम क्लीन रखेंगे तो उस हाउस में हम रहते हैं, उस हाउस में हम रहेंगे तो हम भी क्लीन रहेंगे। अगर हाउस गंदा रहेगा, डर्टी रहेगा, तो हम भी गंदे हो जाएंगे, है ना, क्योंकि हमें हर चीज़ को टच करना है, हर चीज़ पे बैठना है, सोना है, तो वो अगर गंदा रहेगा तो हम भी गंदे हो जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, अपने हाउस को क्लीन रखना होगा। एंड यूज क्लीन क्लॉथ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है अपने बॉडी को क्लीन रखने के लिए। अगर हम नहा लेते हैं, अच्छे से क्लीन हो गए हैं और हमने गंदे कपड़े फिर से पहन लिए तो फिर से हम गंदे हो जाएंगे, फिर से हमें नहाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो जो क्लॉथ्स हैं, वो कपड़े हैं, वही गंदे हैं, और फिर उन्हें ही हम पहन लेंगे तो क्या होगा, हम भी फिर से गंदे हो जाएंगे। तो हमें डेली धुले हुए कपड़े, यानी जो धुले हुए हैं उन्हें ही यूज़ करना चाहिए, उन्हें ही पहनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग गंदे कपड़े वापस पहन लेंगे तो उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह है वो वापस हमारी बॉडी में आ जाएंगे, तो नहाना हमारा वो फ़ायदा करेगा ना हमारा हैंड वॉश, ठीक है। तो हमें डेली नहाना चाहिए और उसके बाद क्लीन क्लॉथ्स को वेयर करना चाहिए, पहनना चाहिए। सो अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग अपने बॉडी पार्ट्स को कैसे क्लीन रखेंगे। सो अब देखते हैं, यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ हैं, यानी कुछ हम लोग देखेंगे और सीखेंगे कि हाँ किस पार्ट्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना है सर्किल द थिंग्स वी यूज टू क्लीन ईच बॉडी पार्ट। यहाँ पर बॉडी पार्ट्स हैं और यहाँ जो है थिंग्स हैं, चीज़ें हैं, हमें देखना है कि हमें किस बॉडी पार्ट के लिए कौन सी चीज़ का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, हैंड। तो हैंड क्या करेंगे, वॉश करना है। हैंड वॉश किससे करेंगे, सोप, क्योंकि सोप से ही हम लोग हैंड वॉश करते हैं। नेक्स्ट है
हेयर, हेयर हेयर मीन्स हमारे बाल। अब हमारे बालों के लिए क्या यूज में आएगा, सोप, नेल कटर या शैम्पू। शैम्पू हमारे बालों को क्लीन करने के लिए क्या चाहिए, शैम्पू। इससे हमारे बाल जो है वो क्लीन होंगे। नेक्स्ट तिथ, तिथ। अब तिथ को क्लीन करने के लिए क्या चाहिए, ब्रश एंड टूथपेस्ट, ब्रश एंड टूथपेस्ट। नेक्स्ट नेल्स, नेल्स को क्लीन रखने के लिए नेल कटर, नेल कटर। ओके, सो इन पार्ट्स को क्लीन कर रखने के लिए इन चीजों की हमें जरूरत होगी। नाउ वी मैच ईच बॉडी पार्ट विद द ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड टू क्लीन इट, ड्रॉ अ लाइन टू कनेक्ट देम। हमें क्या करना है, मैचिंग करना है, किस पार्ट को कौन सी चीज की जरूरत है क्लीनिंग के लिए। हैंड, सोप, नोज, हैंकी, टिथ, टूथब्रश एंड टूथपेस्ट, हेयर, शैम्पू। यहां पर ये पिक्चर है, मैच द पिक्चर टू द सेंटेंस। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, यहां हम लोगों ने पिक्चर देखा और यहां हम लोग रीड करेंगे। यहां पर हैंड वॉश कर रहे हैं, तो आई वॉश माय हैंड, आई वॉश माय हैंड। नेक्स्ट ये ब्रश, ब्रश कर रहा है, तो आई ब्रश माय टीथ, आई ब्रश माय टीथ। कॉम, आई कॉम माय हेयर, आई कॉम माय हेयर। नेक्स्ट ये क्या कर रही है, फेस वॉश, आई वॉश माय फेस। नेक्स्ट आई टेक अ शावर, ये क्या कर रहा है, नहा रहा है, आई टेक अ शावर। सो अभी हम लोगों ने बॉडी क्लीन करने के लिए बहुत सारी चीजें देखी। अब इनमें से बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हमारे बॉडी को क्लीन करने में हेल्प करेगी। सो चूज द थिंग वी यूज टू क्लीन आवर बॉडी, हम लोग अपने बॉडी को क्लीन करने के लिए इनमें से कौन सी चीजों को यूज करते हैं। तो ये वाटर बॉटल नहीं है, नेल कटर, केक नो, बैग नो, कॉम, चॉकलेट्स नो, टूथब्रश टूथपेस्ट यस, मोबाइल नो, टॉवल यस, आइसक्रीम नो, सोप यस, कार नो, शैम्पू यस, टीवी पेंसिल बॉक्स नो। तो बॉडी को क्लीन करने के लिए इन सभी चीजों को हम लोग यूज करते हैं। सो कीपिंग आवर बॉडी क्लीन, ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।